वसिष्ठो विश्वात्मा विधिर विषयान् राष्ट्रभोगान् स्तविष्ठान् पश्चाचन्यान् स्वमपि विभवान् ज्योतिषाश्रयेण सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनैः स्थापयित्वा हृत्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पार्थसौनस्तु अथर्ववेदीय मांडुक उपनिषद के द्वितीय प्रकरण मैतत्थ नाम द्वितीय प्रकरण को देखे जा सकते हैं। लगभग द्वितीय प्रकरण समाप्ति में आ गया। वास्तविक कुछ शक्ति कुछ हुई नहीं, इसलिए कोई बंधन भी नहीं है, कोई मुक्ति भी नहीं है। बस अपने सहज स्थिति में रहना तथा स्वरूप में रहना, यही तो भगवान ने सृष्टि क्यों बनाया, जन्म क्यों दिया, शरीर को क्यों बनाया। यदि हम भगवान के ऊपर आरोप लगाएंगे तब ठीक है, हमको ये समझने के लिए बनाया क्या कि बस सृष्टि हुई नहीं, तब बंधन से मुक्त हो जाओ। मतलब संसार बंधन जो उनको पीड़ा दे रहा है उससे मुक्त होने के लिए उपाय दिखाने के लिए भगवान संसार को बने। पारमार्थिक दृष्टि से कुछ उत्पत्ति सृष्टि हुई नहीं कि बंधन मुक्त जो हम अपने कल्पना किया उस कल्पना को मन से हटाओ, आप अपने स्वरूप से बोलते हैं तस्मात एवं विदित्वेन। इस प्रकार से पारमार्थिक सत्व की स्थिति ये जान करके अद्वैते ज्योतये स्मृति भेद राहित तो ही एकमात्र कल्याणकारी है। क्योंकि तस्मात अद्वैता से भूल करके आया, अद्वैता कैसे एक विकल्प ही अयम दृष्ट प्रपंच को उपसमाप्त है, कोई विकल्प नहीं है, प्रपंच पूरा शांत है, भेद रहित है। इसलिए इस भेद रहित स्थिति में ही मन को स्थिर कर आत्मानम अप्रख्यापयन, अपने को ख्यापित नहीं करते भी कि हमने हमारे पास ये सब वस्तु है, ये सब कुछ नहीं दिखा देंगे। अगर ये जड़वत आचरण को समझाने के लिए फिर मन को करेगा श्लोक दिया था, क्या दिया था, निस्तुति स्तुति नमस्कार स्वाहा स्वाहा ये सब अपेक्षा नहीं करना। स्वाहा स्वाहा से वैदिक चाची गति करना पड़ता और फिर कहीं देवता मंदिर जाना संकल्प करके जाना पुण्य कर सकें। रास्ते में आ गया प्रणाम का निषेध नहीं है, वो अपना आचरण के अनुसार करिए, परंतु इसको मन में रख कर ये करना है वो करना है, स्तुति करे नमस्कार करे ये सब की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार स्वधा साधा से कर्मों को रक्षित है, इसके देवी पूजा पाजा भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और अद्वैत तो समरण प्राप्त का जब अद्वैत तो भाग को संपूर्ण रूप से प्राप्त कर लेगा तब वो इसके आश्रय में जाएगा, क्या करेगा, चला चलने के दस हमारा दो एड्रेस होता है, एक टेम्पोरि एड्रेस एक परमानेंट एड्रेस। टेम्पोरि एड्रेस हो गया ब्रॉस बॉर्डर, और जो शरीर परिच्छिन्न है इसमें जब आप बैठते हैं किसी निमित्त से भूख प्यास के निमित्त से कभी कोई से बोर हुई तब चल निकेतन में आकर के बैठ करके चला चलने यदि जाती इच्छी को भले मतलब शास्त्र विधि को उल्लंघन नहीं करते हुए जो प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट होकर जीवन बिताए,
यथेच्छ हो मतलब जो मर्जी का ये नहीं है, शास्त्र विधि को उल्लंघन नहीं करते हुए जो भी भगवान दे रहे हैं उसके पूर्ण संतुष्ट अलंकृत संजात अलंकृत मोर देन एनफ फॉर मी, बस विद दिस थॉट और विद दिस एटीट्यूड वी शुड बी एबल टू स्पेंड द एंटायर लाइफ। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि कल हम इसको पढ़ रहे थे ना, उससे भगवान बोलते श्रुति स्मृति दोनों जगह पे ऐसे ही कहा, एकम वैतम आत्मा विदिता ब्राह्मण गुप्तेशन गुप्तेशन लोकेशन मन को उठा करके परमात्मा में लगा के रखना, बुद्धि को लगा के रखना, ये हो गया तद्बुद्धय। इस प्रकार बुद्धि वाले व्यक्ति जो लोग है उसको बोलते हैं तद्बुद्धय, और वही परमात्मा ही मेरा आत्मा है। इसको बोलते हैं तदेव परम वस्तु आत्मा निरूपित निरूपचरित में हमारा मुख्य स्वरूप है, यही कहता ये समझो, इसको समझ गया तो हो गया तद्बुद्ध तदात्मा। और इस प्रकार समझ करके बाद ऐसा निश्चय करके उसी में स्थिर रहना, तद निष्ठा तस्मिन एव परस्मिन आत्मनिष्ठा निश्चय स्थिति में जैसा उसको निश्चय करके स्थिर रहता है बोलो, वो हो गया तदनिष्ठा। तत्था मतलब बोलो कैसे तत्परायणा तदेव आत्मभूतम परम वस्तु परम आयनम परागति यशा के तत्था, ये भी जान लिया, क्या जान लिया, यही मेरा एकमात्र परम आश्रय है ना, इसी को मैं प्राप्त करूँगा, इस भी संसार में हमें रक्षा करना अथवा हम संसार के मुक्त करना किसको ही नहीं है, बस यही मेरा एकमात्र आश्रय है। तदबुद्धय मतलब अंध विषय से व्यापृत करके मन को भगवान में लगाना, और यही भगवान मेरा स्वरूप है तदात्मान, इसीलिए भगवान पे बुद्धि लगाकर स्थिर होकर के रहना, ये समझ करके कि अंतिम परिणति हमारे भगवान ही, मतलब इस परम तत्व ऐसा एक हो जाना, तदबुद्ध है तदात्मान तदिष्ठ तत्परायणा तक्षण की अपनी। इस प्रकार के व्यक्ति जब शरीर छोड़ जाता है फिर पुनर्जन्म नहीं है, क्यों ज्ञानो निर्भूत कल्पस विचार के द्वारा जिसका सारा पाप भूल गया है, ज्ञान निर्भूत संचित कर्म पूरा चल गया है, इस प्रकार के व्यक्ति पूरा यहाँ तक कल हमने पढ़ लिए, ठीक है ना। इत्यादि स्मृतिश्च इस प्रकार की स्मृति वाक्य से आदि शब्द से क्या लेने के लिए बोला था, सर्वकर्माणि मनसा सन्नसस्ते सुखं वशे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं, नौ दर्जा वाला स्कूल में बैठने वाले जे भी कुछ करते हुए अथवा नहीं करता कर ना करते हुए ना करवाते हुए बस शांति से बैठे करवा, इसी के बाद क्या शुरू करिए आदि शब्द उसको ग्रहण करें, सर्वकर्माणि मनसा सन्यास अस्तु सुखं, समस्त कर्म को मन से सन्यास करके कुछ को कुछ करते हुए अथवा न करवाते हुए बस अपने स्वरूप स्थिर हुए इतना मान्यता है, यही जो है इसकी स्थिति बता रहे हैं, ये किस प्रसंग में बता रहे हैं हनुमान शंकराचार्य, इसको किस किस प्रसंग में बता रहे हैं, क्या प्रसंग चल रहा है अभी, क्या परिणाम हो रहा है, वैदत्थ प्रकरण तो ठीक है, वैदत्थ प्रकरण में किस विषय में आ करके भगवान भाष्यकार इसको बोल रहे हैं, किस विषय को विचार करते हैं, हाँ तत्त्व ज्ञान के बाद जीवन मुक्त स्थिति में जीवन मुक्त पुरुष जीवन को कैसे बिताए, जीवन मुक्ति पुरुष की ज्ञान तत्व ज्ञान के बाद जीवन मुक्त स्थिति कैसे होती है उसको दिखाने के लिए मांडव को कार्यकर्ता भी बोला, जो उसको समर्थन करते भगवान का स्मृति स्मृति दे रहा है, विषय को मन से मिटा मत देना, थोड़ा तो कम से कम जाने दो तो कैसे हमको इस स्थिति को हमें ज्ञान के बाद जो स्थिति को प्राप्त करना है उसी को साधन अवस्था में हमको अभ्यास करना है, उस साधन का अभ्यास करना है, तो अपने आप उस स्थिति का स्वरूप होता है वो अपने आप अभी व्यक्त होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि आदि शब्दे न सर्व कर्मणि मनसा इत्यादि वाक्यम भी है जिसको ग्रहण किया जाता है। अच्छा भाई ये तो हमको हो गया अचल निकेतन में रहने का स्थिति, चल निकेतन में क्या करेंगे, अचल निकेतन में जब रहेंगे तब अपनी स्थिति नमस्कार अथवा जो है तद बुद्धि है तद आत्मा का निष्ठ तब इस प्रकार से आप जाएंगे, जब चल निकेतन कब आएंगे आप कैसे रहेंगे, जब वहाँ पर बोलते हैं टीकाकार बोलते हैं कदा पुनः टीका पेज 1 पेज 3 4 नंबर लाइन पे माय पुनः
कदा पुनः चल देह विदुष निगत भारती। इस समय ये चलमान शरीर उद्भिन्न पुरुष के लिए आश्रय बन जाता है। इस समय मतलब वास्तविक आत्मा निरस्त्र है, अपने महिमा में प्रतिष्ठित है, कोई आश्रय उसका आवश्यकता नहीं है। तद विपरीत आत्मा के आश्रय में शरीर है, शरीर के आश्रय में आत्मा नहीं है, आत्मा के आश्रय में शरीर है। पूर्ण व्यापक जैसे हम लोग क्या जब एक्वेरियम देखा अपने फिश एक्वेरियम, जल के बीच में मछली भाग जाता है, ऐसे चित्त सागर में एक एक जो पंचीकृत पंचमहाभूत रहता है, पारमार्थिक स्थिति ऐसी, पारमार्थिक स्थिति ऐसी है कि चित्त चैतन्यमय सागर में पंच भौतिक शरीर पर मछली के दर्शन करते हैं। स्थिति है जो कदा पुनः चल देह विदुष्ट किस समय जो चलमान देह इस विद्वान पुरुष का आश्रय स्थल बन जाता है। उसका उत्तर में कहते हैं आप आगे देखेंगे भाष्य सेकेंड लाइन बीच में देखिए, यदा कदाचित भोजनादि व्यवहार निमित्तम आकाशवत अचल रूपम आत्मतत्तम आत्मन निकेतनम आश्रय आत्मस्थिति विस्मृत्य अहम इति मन्यते यदा तथा चल देह निकेत यस्य सो अयम एवं चलाचर निकेत विद्या न पुनर्बाह्य विषय आश्रय यदा कदाचित जब कभी ऐसा हो क्या हो गया तब भोजनादि व्यवहार निमित्त भूख लगी भूख प्राण के धर्म है भूख व्यास प्राण के धर्म है और मेरी सत्ता से ये क्रिया कर रहे हैं और ये मन में एक वृत्ति उठ ले क्या वृत्ति उठ ले कि ये जो है शरीर भूखा है मैं भूखा हूँ ये बात नहीं है शरीर भूखा है और इस शरीर को हम अपनी मर्जी से नाश भी नहीं कर सकते तो शरीर को थोड़ा अन्न देना इस प्रकार की वृत्ति जब मन में उठती है उस मन की उस वृत्ति का प्रकाशन शुद्ध वैध प्रकाशात्मक यथा कदाचित भोजनादि व्यवहार निमित्त भोजन हुआ नित्य कर्म लकी माथुर ये सब लगा रहता है शरीर के धर्म में आकाशवत अचल रूपम आत्मतत्तम आकाश की तरह अचल जो अपना स्वरूप भूत आत्मा है वो जो आत्मनोनिकेतन जो आत्मा का मतलब अचल आश्रय जो स्वरूप ही उसका अचल आश्रय है अचल आश्रय आत्मा अलग नहीं है इस प्रकार घर इस शरीर का आश्रय है ना इसी प्रकार आत्मा का अचल आश्रय कोई आश्रय होगा क्या तो उसमें ऐसे नहीं है जो अचल स्थिति है वही उसका पारमार्थिक आश्रय है मकान में मालिक रहने की तरह इस प्रकार यहाँ पे ऐसे नहीं समझना है और यहाँ भी ऐसे ही है कि मकान में मालिक की तरह मैं रहता हूँ जो मकान से मैं भिन्न भिन्न समझने के लिए और पारमार्थिक चीज यही है कि फिश एक्वेरियम में फिश की तरह हम सागर में पारमार्थिक स्थिति यही है इसीलिए आप बोलते हैं यदा कदाचित भोजनादि व्यवहार निमित्त आकाश पर अचल रूपम आकाश की स्थान मतलब जिसमें कोई चरण होना संभव नहीं इस प्रकार जो आत्मतत्तम आत्मा के स्वरूप है आत्मन निकेतन वही आत्मा का जो स्वरूप है वही उसका निकेतन है आश्रय आश्रय निकेतन का आश्रय आत्मा अपने आप ईश्वर पदानी से वर्णन भाष्य की रक्षा नहीं है अपने पद पर जो अपने आप अर्थ करते थे तो निकेतन शब्द का अर्थ कर दिया आश्रय मतलब आत्मा की आश्रय मतलब ऐसा नहीं है कि मकान के अंदर कोई रहेगा ना आत्मस्थिति आत्मा की परमार्थिक स्थिति जो आत्मस्थिति उसको भूल करके मैं व्यापक असंभव पूर्ण हूँ क्योंकि भूख व्यास के कारण व्यक्ति थोड़ी बदलेगी भूलते तो नहीं है वास्तविक भूलते तो नहीं है परंतु शरीर की जो धर्म है उसको रक्षा करने के लिए कभी कभी वृत्ति इधर भी आते इसके बोलते हैं इसमें तो अहम इतने शरीर में भी इस प्रकार वृत्ति कभी भूल गया इतनी मन्नते ज्यादा इस समय होता है तथा चलो देहो निकेत जस्य स्वयं उस समय क्या होता है उसका चल शरीर उसका निकेत आश्रय हो जाता है तथा तथा तो बोल रहे इसका अर्थ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जदा लिखा है जथा नहीं लिखा है तो जथा लिखा होता तो यहाँ पे तथा ठीक था परंतु यहाँ पे लिखा है यदा तो यहाँ पे होना चाहिए था तदा ठीक है ना हम देखो हमारे पुराने पुस्तक में हमें भूल गया
तो सब तथा का अर्थ हम कदा ही करेंगे। प्रश्न प्रश्न भी यहाँ आनंद की जैसे होता है, कदा पुनः चल देव विदुष निकेत भक्ति का प्रत्यय समय अर्थ बड़े करके बोलते हैं। यहाँ पे किस समय जिस समय ऐसी स्थिति होती है, मतलब स्थूल शरीर में थोड़ा आत्मबोध अथवा भूख प्यास के कारण प्रकृति इधर आते हैं, उस समय कदा तथा चल निकेत, उस समय उसका चल शरीर उसका निकेतन बन जाते हैं, उस समय चल शरीर उसका आश्रय बन जाते हैं। तदा चल देह निकेत जिसका बन जाते हैं, किस तत्व में जगस् सो अयम एवं, वो व्यक्ति किस प्रकार की है, किस प्रकार की है, चला चल निकेत, कभी चल शरीर कभी अचल शरीर उसका आश्रय। परंतु दोनों जगह पे आप ध्यान रखना कि जो अचल आश्रय बोल रहा है वो उसका शरीर नहीं है, अचल आश्रय उसका स्थिति है, उसका स्थिति है। और यहाँ पे जो चल आश्रय बोल रहे हैं, क्योंकि इस शरीर को कुछ देव तक जो प्रारब्ध हुआ भगवान ने दिया उसको चलाने के लिए थोड़ा सा उसको मदद करता है, इस हिसाब से बाकी अपनी व्यापकता की स्थिति वैसे ही बना है। इसलिए बोलते हैं कि विस्मित तो हमें मानते ज्यादा कदर है, क्योंकि ये मनुष्य चलचित्र क्लैरिटी भी अधिक आता है, क्योंकि ज्ञान का जब तक ज्ञान हो जाने पर भी मतलब प्रारब्ध की प्रबलता के कारण जब आपको शुभ रूप के निमित्त जो रहेगा ना उसके निमित्त से चित्त वृत्ति थोड़ा सा आ सकते हैं, उसमें कोई अश्वल बोल नहीं आपने, उससे कोई आपका स्वरूप च्युत हो गया कभी नहीं, आत्मा बुद्धि को च्युत नहीं होता, वृत्ति थोड़ा सा बदल जाती है, इतना ही मात्र। तथा चल देह निकट जो अयम एवं चला चल निकेत, इस प्रकार वो चला चल कन्या स्वयला विद्वान न पुनर्बाह्य विषय अस्त, उस विद्वान बाहरी विषय को आश्रय नहीं करता है ना, उसका आश्रय नहीं है। ना निकेतम तो चला चल निकेत, अभी तो मूल में भी निकेत ही लिखा है, चला चल निकेत शब्द में मन में एक लुट प्रत्यय फिर और कर लेते हैं, निकेतन कर देते हैं, तो परंतु हमें निकेत बिल्कुल ठीक है, निकेतम आश्रयम आत्मस्थिति विस्मित अहम इति मन्यते यदा तथा चलो देह निकेतो निकेत, ठीक है ना, यस सो अयम एवं चला चलो निकेत विद्वान चल अचल निकेत, निकेतन वाला मतलब आश्रय वाला विद्वान न पुनर्बाह्य विषय बाहरी के विषय का अवलंबन करके नहीं लिखा हो, सच है इस प्रकार के विद्वान पुरुष जास्तिक्षी को भवे, है ना, वो जिस प्रकार से रहे वही उसकी स्थिति है, उसको लेकर के कोई नियम नहीं, विनियम विधि निषेध कुछ नहीं है। यहाँ पे टीकाकार देखिए बोल रहे हैं कि कदापि अविवक्षिते ही काल विशेषे विवक्षितम व्यवहारम निमित्त कृत आत्मस्थिति मुक्त विशेषवति विस्मृत अहंकार ममकार परवश जगा विद्वान अवनिष्ठते तदा इति योजना, मतलब जिस प्रकार अग्निहोत्र आदि को विधि को करने के लिए आपका काल विशेष का नियम है, अब जिस शाखा वाले हैं तो शाखा के अनुसार आपको सूर्योदय से पहले सूर्योदय काल में सूर्योदय के बाद इस प्रकार से ये भिक्षा कराने के लिए कोई काल विशेष का नियम सन्यासी के लिए नहीं है, ज्ञानी के लिए नहीं है। अविवक्षित ही काल विशेष विवक्षितम व्यवहारम निमित्त कृत, जो अभिष्ट व्यवहार है उस व्यवहार को निमित्त करके आत्मस्थिति उक्त विशेषण, आत्मस्थिति कैसा है कि निस्थिति ने नमस्कार इस प्रकार अथवा निर्विकल्प प्रपंच को शांति इस प्रकार जो आत्मा की स्थिति है, आत्मस्थिति मुक्त विशेषण स्थिति इस प्रकार विशेषण बने उसका विस्मृत, ये विस्मृत निर्मित विमुखी भूल उससे थोड़ा सा विपरीत मुख हो जाए, वृत्ति उसके तरफ भी मुख देते हैं, विस्मृत क्या हो जाए अहंकार ममकार परवश, ये शरीर और उसके शरीर मेरा है इस प्रकार की वृत्ति के परवश होकर के जदा विद्वान अवतिष्ठ के जिस समय विद्वान वो वृत्ति मन अवतिष्ठ का सेवन करते हैं तदा उस समय वो क्या है चल निकेतन वाला हो जाए, उस समय एक समय चल निकेतन एक समय अचल निकेतन, वास्तविक तो स्थिति ऐसे दिखती है कि चला चल निकेतन दोनों ठीक है अपने मूल स्वरूप में रहते हुए भी, क्योंकि उनको जब ईश्वर की भावना के साथ एक हो जाता है शरीर के लिए ईश्वर ने कुछ प्रारब्ध बना करके दिया और उस प्रारब्ध के अनुसार शरीर टिका रहेगा, तब अनुकूल शरीर को कुछ चेष्टा भी करना पड़ता है, शरीर को चेष्टा करना पड़ता है, उस क्षेत्र भाव में बना बोला ये सूक्ष्म जो उस प्रकार की वृत्ति भगवान ने पाते हैं। आप अगर सोचेंगे एक दिन नहीं खाने से क्या होता है, मर भी जाएगा,
परंतु फिर एक व्यक्ति उठेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, क्यों ऐसा नहीं है, ठीक है हमारी भूख की मतलब भूख मिटाने की इच्छा, परंतु साथ में ये भी एक वास्तविक चीज ये होता है कि ईश्वर ने मेरे उस शरीर के साथ प्रारब्ध के साथ कुछ विधान कर डाला, जब तक वो ऋण पूरा नहीं होगा तब तक ये शरीर नहीं रहा, तो इसीलिए उस प्रारब्ध के निमित्त को पूरा करने के लिए जितना वृद्ध ऐसा व्यक्ति मन में उठाते हैं कहीं सहज उपलब्ध होता अन्न छत्र अभिक्षा अन्न छत्र में जाते हैं, अथवा यदि कहीं गाँव में माधुकारी करते हैं तो उसको शरीर नहीं करते, तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि अहंकार ममकार परमश ज्यादा विद्वान अपनिष्ठ जिस समय विद्वान रहते हैं तदा इति योजना, उस समय ऐसा हो गया होता है उसका चलने के तन हो जाता है। स्वभावतस्तु अचलम आत्मस्वरूपम एव अस्तु, देखिए इतना बोलने के बाद तुरंत जो है भाई इट्स वेरी नेचर ये अचर निकेतन में ही रहते हैं आत्मस्वरूप ही रहते हैं, नहीं तो बोलते हमको लगेगा कि दो बार इधर उधर फ्लैक्चुएट करके बोलते ये नहीं है उनका स्वभाव, बोलते स्वभावतः भाई इट्स वेरी नेचर तू तू मतलब अलग दिखाने के लिए अचलम आत्मस्वरूप हमें वश्य निकेतन मतलब भाई इट्स वेरी नेचर अचल रहना ही इसका स्वरूप, अचलम आत्मस्वरूप अश्य निकेतन वही उसका मतलब परमानेंट एड्रेस में ही रहना पसंद करता है, वही वही उसका वही उसका स्थिति है, परंतु कभी कभार जो है वो जिस शरीर को जिस प्रारब्ध से जिस शरीर से क्या होता है जिस शरीर से वो ज्ञान प्राप्त होता है उस शरीर भी जो है एक मतलब अपने लिए ऐसा लगता है अरे भगवान ने अच्छा शरीर दिया था अच्छा व्यक्ति दिया था बुद्धि दी थी तब जाकर के इस आनंद को आप उठा पा रहे हैं, इसीलिए शरीर को मन पर जो नाश नहीं कर सकते, हाँ शरीर में दुरारग व्याधि हो जाए और जो सहन नहीं होता है अथवा जिसके लिए आपको उपचार नहीं होता तब जब जो पुरुष शरीर को बनता है जब अपना शांत करता है उसका पाप नहीं होता, स्वभावतस्तु अचलम आत्मस्वरूप एव अस्य निकेतन चलम पुनः शरीरम उपदर्शित विस्मरण द्वारे न इति निगमयति, इस प्रकार चल हो गया ये शरीर मतलब जैसे हमने ऊपर दिखाया कि कहीं भूख प्यास की वृत्ति के निमित्त से यदि मान लीजिए कुछ देर के लिए जल शरीर में आ भी जाता है तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अभी उपसंहार करते उसको बोलते हैं सो अयम एवं चराचर निकेतन विद्वान न पुनर्बाह्य विश्वास, बाहर किसी विषय का आश्रय करके जीने से अच्छा नहीं करता है, उसको बोलते हैं कि अविदुष विशेष अर्थम व्यावर्तम के तय अविद्वान के जो विशेष विषय दिखाई पड़ते हैं उसको निराकरण घटाने के लिए दूसरे के तर्क करते हैं, दूसरा बोलते हैं न पुनर बाह्य विश्वास को कभी भी बाहरी विषय का आश्रय करके मैं जीऊँगा इस प्रकार भाव करना पड़ेगा, बस स्वरूप में जैसा कुछ है वैसे ही चलेगा और बाकी प्रारब्ध ने शरीर को जैसा निर्णय कर दिया ऐसा ही होता नहीं है, ईश्वर का जन वृत्ति उठाएगी नहीं अपने संकल्प नहीं करता, अविदुष विशेषार्थम अविद्वान से भेद को दिखाने के लिए व्यावर्तन कर उसको व्यावर्तन करने जो को वस्तु उसको कीर्तन करते हैं न पुनर्बाह्य, अविद्वान क्या करते हैं बाहर स्त्री पुत्र धन जन परिवार मकान दुकान की आश्रय करके यही मेरा आश्रय ऐसा सोचता है, अविद्वान व्यक्ति क्या सोचते हैं स्त्री पुत्र धन जन परिवार मकान दुकान यही मेरा आश्रय है, और विद्वान का भक्त क्या सोचते हैं भगवान ही मुझे ये दोनों में भिन्नता है, ज्ञानी पुरुष आत्मा पर आश्रय मानते हैं भक्त भगवान को मानते हैं जो इसी प्रकार से उस प्रकार ऐसे भिन्नता होते हैं, आपके दूसरे विशेषता व्यावर्तन के प्रयत्न चतुर्थ पादार्थम चतुर्थ पद यदि जागृक्ष को भवे उसके अर्थ को बोलते हैं सच जागृक्ष को भवे जागृक्ष का मतलब क्या है अपने आप भगवान वास करते हैं जागृक्षा प्राप्त कौपिन आच्छादन नाश मात्र मतलब बिना किसी शास्त्र विधि को उल्लंघन करते हुए मतलब अपने प्रणत सत भक्त से जो भी कुछ प्राप्त हुआ कौपिन हुआ आच्छादन हुआ ठीक है ना कौपिन वस्त्र आच्छादन से दो लेंगे एक मतलब इस प्रकार की आच्छादन इस प्रकार की आच्छादन दोनों आच्छादन है ना इसलिए कौपिन आच्छादन ग्रास मात्र भोजन है ना उसको गृहस्थी के लिए गृह शरीर के लिए है यदि कुछ वहाँ भी रह सकते हैं और बाकी के फल होते हैं यहाँ के लिए हमने देखा नानक बाबा का कवि हम हृदय शरण जी देखे होंगे नानक बाबा का कवि उनको दिल्ली क्षेत्र में कुटिया दिया गया था दूर दराज के लोगों से नहीं रहते थे वहाँ वो जब आतंकवादी के मकान के पास में जो जहाँ पे वो बना हुआ है मशहूर ने जो बनाया
वहाँ पे वो ऐसे तो बंद रहा था, कुछ लगा हुआ नहीं था, वहीं पर पड़ा रहा, कहते भी रास्ते में खड़े खड़े करते कुछ उनको बोली दूध था कोई नीचे में रखा दूध दूध अभी व्यवस्था किया मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं पड़ा। प्रेमा माता जी ने कभी कभी खावा खाने ला के प्राप्त हो अच्छा चतुर्थ पात्र व्याख्यान है। इस प्रकार से ये इतिहास इसका अंतिम उपसंहार करने के लिए बोलते हैं अहम एवं परम ब्रह्म नाम मत्त अन्न अस्ति किंचित् इति स्मृति करणम् अपि न काल विशेषनीयतम् किंतु नैरन्तरेण कर्तव्यम् इति आदेश दिया। कौन सा टिप्पणी? तीन नंबर टिप्पण विस्मृत होता तो विमुखी भूल किया मतलब उससे विपरीत मुख होगा। आप यहाँ पे और भी चीज देखिए तत्व बोध हो गया, तत्व साक्षात्कार हो गया, तो परंतु क्या हम शब्द ये बोलना मतलब साधन भजन बंद कर दे? शास्त्र बोलते हैं नहीं नहीं, उस स्मृति को हमेशा जगा के रखना मन में, क्योंकि प्रारब्ध की बलवत्ता के कारण कहीं अंतकाल में जो विस्मित हो जाता है फिर वह मुश्किल हो जाता है। इसीलिए देखो शास्त्रीय अंतर्विज्ञानी के लिए इसका संभावना बहुत ही कम होता है, परंतु हमारे संप्रदाय के आचार्य लोग हम तो साधन करते हैं, साधन दशा में तो ये अनिवार्य है, बाद में ये अभ्यास हो जाता है। बोलते हैं अहम एव परम ब्रह्म न मत अन्नत अस्ति किंचित इति, यहाँ तक मैं ही उस असर्व पूर्ण व्यापक तत्व हूँ, मुझसे भिन्न करते संसार में कुछ भी वस्तु नहीं है, मुझसे भिन्न करते संसार में कोई भी वस्तु नहीं है। अहम एव परम ब्रह्म न मत अन्नत किंचित अस्ति इति, है ना, मुझसे भिन्न कुछ भी वस्तु नहीं। स्मृति संतति करणम, इस प्रकार स्मृति संतान को करते रहे और कुछ चिंता बनाए मैं असंग पूर्ण व्यापक स्मृति संतति करणम मतलब चार नंबर टिप्पणी होते हैं प्रत्यय प्रवाह अनुकूल प्रयत्न, ये इस प्रकार की वृत्ति की अनुकूल प्रयास यही करना, इस प्रकार की वृत्ति मन में बना रहे। क्या वृत्ति बना रहे? मैं असंग पूर्ण व्यापक हूँ, मुझसे भिन्न संसार में वृत्ति वस्तु नहीं है, इस प्रकार मनोवृत्ति हमेशा बना रहे इसके लिए जो अनुकूल प्रयास है उस प्रयास को बोलते हैं स्मृति संतति करणम। इसके लिए हम सुबह उठ के थोड़ा ध्यान भजन कर लिए, तीन संध्या जैसा पूजा करना पड़ता है, जैसे पढ़ते तीन संध्या नित्य कर्म करना पड़ता है, ऐसा तीन संध्या करने से हो जाएगा? बोलते हैं नहीं नहीं, नैरंतरेण काल विशेष नियतम किंतु नैरंतर, इस काल में करेंगे सब ये नहीं है, निरंतरता के साथ काल, इसी के लिए दर्शन बोलते हैं सचत दीर्घ काल नैरंतरेण सत्कार से, लंबा समय तक निरंतरता के साथ और आदरपूर्वक निष्ठा के साथ उसमें मन लगा रखना चाहिए। इसीलिए तो बोलते हैं न काल विशेष नियतम, उसको काल विशेष की तरह नियमित नहीं किया जा रहा है, ये मस्त बहुत डे एंड नाइट, ये हम लोग इतना मतलब हम आप लोगों को सबको मतलब अच्छा के लिए बोलते हैं, दिन भर एक इसी चिंता में लगा रहता है, ये आपका अनर्थक नहीं जाएगा, मीठा नहीं जाएगा, एकदम मन अभ्यस्त हो जाएगा, इसमें उसमें मन को लगा करेंगे तुम्हारा शाम तक एक ही विषय को लेकर के ठीक है अलग अलग अवर्णन होने कर, लेकिन मुख्य विषय पे बस मेरे स्वरूप पे हमारे मन कैसे स्थित है, ये अभ्यास करते करते कुछ दिन आपको प्रयास पूर्वक करना पड़ेगा, बाद में देखना पुस्तक छोड़ देगा और तो प्रयास नहीं करते तो मन अपना उधर तत्त्वीभूतस्तदा रामः
कीर्भूतस्तदा राम स्तत्वाद प्रच्युतो भवेत् स्तत्वाद प्रच्युतो भवेत् तत्त्वमारणमिदं दृष्ट्वा तत्त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यतः तद्वीभूतस्तदा राम तत्त्वाद प्रच्युतो भवेत्। इस तत्व को मतलब आत्मस्वरूप को तत्व यानी पुरुष उस आत्मस्वरूप को अपने आध्यात्मिक मतलब अपने स्वरूप को आध्यात्मिक आध्यात्मिक शरीर अधिष्ठानम है ना, शरीर का अधिष्ठान मुझे विद्यमान है जो तत्व उसको वहाँ पे देख करके फिर तत्व दृष्टा तो बाह्य देखे पर इस शरीर ने सारा संसार की अधिष्ठाता एक ही विद्यमान है। इस प्रकार समझ करके तत्व की भूत मतलब आप क्या हो जाएंगे, आप उस तत्व स्वरूप हो जाएंगे। तत्व को देखना मतलब क्या होता है, वो तत्व स्वरूप हो जाना, तत्की भूत तत्व का स्वरूप हो जाना। तदा राम और उसी में आप रमन करते रहे तत्की भूत में तत्वा अप्रच्युत भवे, उस तत्व से कभी भी अपने भाव को प्रच्युत नहीं करना चाहिए, मनोवृत्ति पर मस उठाना नहीं चाहिए। अद्वैतम समान प्राप्त जरम दो मैंने बोले ना कि उत्से को उषा प्रेरणा एक बिंदु ना मनुष्य उत्से मनुष्य निंद्रेद परिचेद लय संबोध चित्तम विक्षिप्तम समय सकसायम विज्ञानीय समम प्राप्त न चाहे मन यदि आगे इस प्रकार से बोले मन इस समय इस प्रकार दत्त के साथ एक हो जाए उस प्रकार फिर मन में किसी भी प्रकार के कारण में संकल्प न करे चैन के बिना अच्छा कर्म भी किए ना पारमार्थिक स्वरूप ऐसा है ये निश्चय करके उससे होना मतलब ये दोनों ही होना बौद्धिक है मतलब बुद्धि को उससे हटने मन के उसी भाव में मना। इसलिए एक नंबर के प्रेम में शरीर अधिष्ठान विद्या बाह्य का मतलब क्या हो जाएगा आकाश आदि बाह्यना अधिष्ठान विद्या को यद्यपि बाहर मतलब है एक हो गया शरीर और वो बाह्य पदार्थ आध्यात्मिक आदि बौद्धिक जगत सभी का आदि दैविक जगत उसका इंक्लूड हो जाएगा इस सभी का अधिष्ठान एक मैं ही पूर्ण सुन असंख्य व्यापक तत्व हूँ इस प्रकार निश्चय करके इस भाव से कभी भी प्रच्युत ना हो। व्यवहार काल में भी यदि मान लीजिए लगता है कि मैं तो शरीर के साथ व्यवहार करने से परिचित हो जाऊंगा नहीं व्यवहार आत्मा में नहीं है व्यवहार शरीर में है हमारी विद्यमानता में शरीर व्यवहार कर रहे हैं अपने प्रगत होता है एक भाव निश्चय कर रहे हैं ना अच्युत मतलब क्या होता है जो अपने से कभी परिवर्तन नहीं होता और अप्रच्युत भवे मतलब आपके को कभी अपने में कोई व्यतिक्रम ना ला नहीं लाना चाहिए यहाँ पे उस कर्ता को लेकर अच्युत उसका स्वभाव है और यहाँ पे प्रच्युत और अप्रच्युत और अप्रच्युत प्रच्युत मतलब है अपने प्रतिष्ठित स्थान से हट जाना और अप्रच्युत मतलब उस स्थान से नहीं हटना ये जो है इस प्रकार से आचरण स्वभाव से आत्मा अच्युत है परंतु मन में प्रच्युति होती है भावना में इसलिए भिन्नता है प्रच्युत और अच्युत में अच्युत स्वरूप है और प्रच्युति मन में होती है मन बुद्धि उसमें अप्रच्युत नहीं होना अभी ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पे तत्त्वम आध्यात्मिकम निष्ठा तत्वी भूत देखिए अब क्या हो जाएगा तत्व स्वरूप हो जाएंगे तदा राम और उसमें रमन करते रहेंगे क्योंकि अच्छा लगता है तत्व भूत तदा राम मतलब उसमें रमन करना मतलब मन उसी में खेलने लग जाएगा अच्छा लगेगा और तत्त्व अप्रच्युत भवे इस प्रकार कभी ये भूख प्यास आदि निमित्त से यदि शरीर में कुछ आत्मबुद्धि भी आता भी है फिर भी इस बना को रखना कि ये तो मैं भूख प्यास को देख रहा हूँ और शरीर की भूख प्यास को मिटाने के लिए जैसे देखिए जैसे इस पके बैठा रहा है फिर किसी निमित्त से देखा तो उठ के चला गया हम क्या कर रहे हैं उसको देख रहे हैं ठीक ऐसा ही यदि आप अपने पूरी व्यापकता में रहेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि शरीर भी उठ करके अपना कुछ काम करने के लिए जा रहा है तो मैं तो इस बात बिल्कुल निश्चय है ऐसे ही
इसलिए आगे बोलते हैं यदि इसमें तत्ति रूप तदाराम तत्काल अप्रचित हो गए तत्व से अप्रचित रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए आध्यात्मिक तत्कम आध्यात्मिकम तो टीकाकार लिख रहे आध्यात्मिकम शरीरादि कल्पितम तत्तम अधिष्ठान मात्रम दृष्टवा ये जो कल्पित शरीर आदि को देख करके अधिष्ठान मात्र को देखना चाहिए। अधिष्ठान को देखेंगे तो क्या हो जाएगा कल्पित वस्तु अपने आप ही दृष्टांत दृष्टांत में इतना भिन्नता यहाँ पे रज्जु सर्प को दृष्टांत तो नहीं करती यहाँ पे तो आपको मरुभूमि में मरीचिका के पानी के दृष्टांत को ध्यान रखना यहाँ है ना कि मरुभूमि के वालुका का ज्ञान होने पर भी दूसरा दिन भी चाक्षिक तो ऐसा दिखाई दे सकता है परंतु पानी नहीं है ये निश्चय आपका रहेगा मन लेकिन निश्चय ठीक इसी प्रकार से जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर की प्रतीति होती रहेगी परंतु ये कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है ये निश्चय भी रहेगा इसीलिए बोलते हैं आध्यात्मिकम शरीर आदि है ना शरीर इंद्रिय मन बुद्धि सब कल्पितम तत्तम ये सब कल्पित वस्तु है अधिष्ठान मात्र अधिष्ठान स्वरूप पूर्ण वैभव आत्मा को देख करके दृष्टा तत्तम आध्यात्मिकम दृष्टवा इसको देख करके ठीक है फिर क्या बोला था वहाँ पे तत्तम दृष्टवा तो बाह्यतः बाह्यतः मतलब देहात बहिर अवस्थितम शरीर से बाहर जो भी कुछ दिखाई दे रहा है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और उससे मना हुआ जो पंचभूति जितना भी सारे शरीर है वो सब बाह्यतः देहात बहिर अवस्थित पृथ्वी आदि कल्पित अवस्थित ये सारे के कल्पित होने के कारण इसमें कोई पारमार्थिकता नहीं है अधिष्ठान मात्रम एव सत्यम मतलब अधिष्ठान भी मैं पूर्ण वैभव पारमार्थिक सत्य अनुभूय इस प्रकार अनुभव करके स्वयं अपि दृष्टा परमार्थ वस्तु स्वरूप स्वभाव आवर्ण तथैव आसक्त चेता बाह्य बुद्धि तस्मिन् एव तत्वे परमार्थ भूते प्रतिष्ठित तद्दर्शन निष्ठ सैद इति एक लाइन में सारा लिख दिया आध्यात्मिक अपने शरीर को भी उसी कैटेगरी में लेना है और बाहरी वस्तु को एक ही कल्पित दोनों में क्या था सामान्य धर्म बैठे कल्पित धर्म बैठा कल्पित होने के कारण अवस्तुत्व पारमार्थिक वस्तु नहीं होने से अधिष्ठान मात्रम एव इति अनुभवे अधिष्ठान ही मेरा स्वरूप है अधिष्ठान ही मैं हूँ इस प्रकार अनुभव करके स्वयं अपि दृष्टा ये जो अब मैं इस सारा वस्तु का देखता हूँ देखने वाला होते हुए भी परमार्थ वस्तु स्वभाव आपन्न पारमार्थिक वस्तु जो अधिष्ठान रूपी है वो मेरा स्वरूप है इस भाव को प्राप्त करके क्योंकि मैं इसको देख रहा हूँ तो जो दृश्य वस्तु से दृष्टा भिन्न होगा ही होगा तो बाहरी दृश्य वस्तु से मैं भिन्न हूँ ये तो समझ में आ जाता है बल्कि शरीर से लेकर के अहंकार तक जितना अंतर जाए ये भी दृश्य का तो भिन्न आता है ये तो आप समझते हैं इसको इसका भी मैं दृष्टा हूँ इस भाव में स्थित रहना है इसलिए बोलते हैं ये इसलिए मान लीजिए कभी कोई काम करके वृत्ति उत्पन्न हो गया तो यदि आपके मन में ये निश्चय रहे कि ये भी वृत्ति का मैं प्रकाशा कोई मेरा धर्म नहीं है तो उसके द्वारा जो है ना मतलब ये जन्म पूर्ण ये प्रारब्ध भोग करके नया प्रकट उत्पन्न वो नहीं होना संभव नहीं होता वो होना संभव नहीं होता अज्ञान अवस्था में होता है इसलिए बोलते हैं कि स्वयं का भी दृष्टा परमार्थ वस्तु स्वभाव आपन उसको देखने वाला उस परमार्थ वस्तु स्वभाव को प्राप्त करते हुए आपन्न तत्रैव अशक्त चेता आप देखिए यहाँ पे मतलब उस व्यापकता के स्वरूप में आनंद स्वरूप में मन को बिंदित लगा करके बाह्य व्यावृत्त बुद्धि समस्त बाहरी वस्तु में बुद्धि को हटा करके तस्मिन एव तत्व परमार्थ पूते हो जो पारमार्थिक सत्व तत्व उसमें प्रतिष्ठित मतलब तत्दर्शन उसमें प्रतिष्ठित हो जाओ मतलब तत्दर्शन निष्ठा भव मतलब उस व्यापक तत्व को देखने में निष्ठा हो जाएगा निश्चित होकर स्थिर हो जाएगा व्यापक तत्व को देख मतलब वहाँ पे देखना मतलब दृश्यात्मक नहीं हो मतलब यदि बुद्धि का भी वृद्धि होती है तो फिर बुद्धि को होगा भी कुछ मिला मतलब तत्दर्शन निष्ठा शैली भी अर्थ तत्व परमार्थ भूते हो पारमार्थिक उसमें प्रतिष्ठित तब दर्शन निष्ठ वहाँ पे प्रतिष्ठित हो जाए उसमें उसकी दर्शन में निष्ठा लाए व्यापकता की पूर्णता साधक के लिए निर्देशन व्यापकता की पूर्णता की बोध में उसी में निष्ठा लाए परिचिन्न ब्रह्मा में निष्ठा ना लाए यदि बात इसका विक्रेता
तो पृथ्वी आदि देहादिश्च प्रत्येक परमार्थत्व परमार्थत्व संभवे कथम अद्वैत निष्ठा सिद्धेति इति आशंका। पूर्ववादी बोलते हैं अन्नान्नवादी तो यही कहते हैं कि जगत सत्य वस्तु है, पंचभूत सत्य है, एकमात्र वेदांति इसको मिथ्या मानते हैं, बाकी कोई नहीं मिथ्या मानते इसको। परमाणु रूप में नित्य और व्यवहारिक रूप में अनित्य इतना तो मानते हैं, मिथ्या तो नहीं मानते। बोलते हैं पृथ्वी आदि ही पृथ्वी से लेकर के आकाश तक और उससे बना हुआ वस्तु और देहादिश्च शरीर इंद्र मन बुद्ध चाहिए शरीर प्रत्येक परमार्थत्व समय प्रत्येक में परमार्थता बैठा हुआ है। ये संभव होने पर प्रथम अद्वैत निष्ठा, अद्वैत में निष्ठा कैसे आएगा? अद्वैत में निष्ठा के एक ही शब्द हमारे मन में बार बार घूमते रहता है, सुनते लगाओ अद्वैत कथम अद्वैत निष्ठा सिद्ध है, अद्वैत निष्ठा कैसे सिद्ध हो सकता है? यदि आशंका व्यातस्ते ऐसा कोई शंका उठाते हैं उसके उत्तर में व्याख्या करते हैं भगवान भाष्य में होता है बाह्य अभाष्य मानने के। ठीक है, बाह्य स्पन्न के भाष्य में टीका तो पहले स्पन्न की है 124 पेज में भाष्य की पहला लाइन बाह्य पृथ्वी तत्त्वम् आध्यात्मिकं च देहादिलक्षणम् पृथिव्यादि आध्यात्मिक देहादिलक्षणम् रज्जु सर्पादिवत ये सत्य वस्तु नहीं है, रज्जु के ऊपर दिखाई देने वहाँ सर्प के समान प्रतिथि काल में केवल सत्य लगता है, प्रतिथि काल में केवल सत्य लगता है। इसलिए बोलते हैं बाह्यम पृथिव्यादि तत्त्वम् आध्यात्मिकं च आध्यात्मिक देहादिलक्षणम् उसमें जो तत्व है वो रज्जु सर्प के समान है। वो क्या बोला था? ये तो सत्य वस्तु है, अद्वैत निष्ठ कैसे आएगा? तो क्या बोलते हैं? तो सत्य वस्तु नहीं है, रज्जु सर्प के समान प्राकृतिक वस्तु है, मतलब जिस समय देख रहे हो केवल मतलब उस समय ही वो रहता है, उसके आगे पीछे नहीं रहता है वो। इसलिए बोलते हैं रज्जु सर्पवत अथवा स्वप्न मायादिवत च असत। ठीक है ना, अथवा स्वप्न में देखा हुआ वस्तु के समान अथवा इंद्रमा जादूगर की तरह देखा वस्तु के समान ये वो सत्य वस्तु नहीं है, ये असत है, ये पारमार्थिक सत्य नहीं है। बोलते आप बोलने से थोड़ी होगा, श्रुति ऐसा बोलती है वाचारम मनो विकारणाम धेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम शब्दस्य अथा तो आदेश नेति नेति न तो परमस्ति। ठीक है, श्रुति अपने आप बोलते हैं मूर्तामूर्त ब्राह्मण में मूर्तामूर्त को दिखा करके अपने आप दोनों मूर्तामूर्त को निषेध करके अधिष्ठान के प्राण का दिखाते हैं और बोलते हैं अधिष्ठान के आत्मा को अलग करके दिखाओ। तो इसको दिखाने के लिए हमारे पास इसके बिना निषेध के बिना उसका कोई उपाय नहीं। इसीलिए बोलते हैं रज्जु सर्पादि व सप्त मायादि व छह असत् उसको श्रुति प्रमाण के द्वारा पुष्ट करें वाचा रम मन विकार नाम धेयम इत्यादि श्रुति आत्मा च स्वबाह्य आत्मा के यथार्थ स्वरूप है स्वबाह्य अभ्यंतरो ही अज दिव्य ही अबोध पुरुष स्वबाह्य अभ्यंतर ही अज मुंडक में आते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि कोमा करते हैं अलग अलग चीज के ही भगवान बन चुका है एक जगह को उठा के दे दिया स्वबाह्य अभ्यंतरो अंदर बाहर सब जगह में एक तरफ से विद्यमान है परंतु अपने आप में जन्म से रहित है। शरीर जन्म वाला है मृत्यु वाला हमको दिखाई देते इसलिए मैं शरीर नहीं हूँ अपूर्व अलंकर अबाह्य कृष्ण आकाशवत सर्वगत अतः उसका अपूर्व मतलब उसका पूर्व में कोई नहीं है मतलब उसका कोई कारण नहीं है अनंतर उसका कोई कार्य भी नहीं है फिर अबाह्य मतलब उसका अंदर बाहर रूप में आप उसको नहीं चिन्ह सकते देखो तो कल्पित वैरियर पे दिखाई पड़ते हैं कल्पित कल्पना मात्र अपूर्व अनंतर अबाह्य कृष्ण प्रज्ञान घन एवं मैत्री ब्रह्म होता है अपूर्व अनंतर अबाह्य कृष्ण प्रज्ञान घन एव इस प्रकार आकाशवत सर्वगतश्च नित्य ये अलग है सब अलग अलग है। भगवान भाष्यकार देखिए कितना सुंदर एक साथ मिला कर देख जाओगे इकट्ठा कर वो कैसे उठा दिया स्वबाह्य अभ्यंतरो ही अज दिव्य ही अमूर्त पुरुष अपूर्व अनंतर अबाह्य कृष्ण प्रज्ञान घन एव उसका अंदर बाहर कुछ भी नहीं है एक ठोस प्रज्ञा सिंधव घनवत आकाशवत सर्वगतश्चरित आकाश की तरह पूर्ण व्यापक है नित्य है उस प्रकार से कहते हैं सूक्ष्म अचल निर्गुण निष्कल निष्कल निर्गुण निष्कल नित्यम निरवत्तम निरंजन ईशद सूक्ष्म अचल निर्गुण निष्कल निष्क्रिय इसमें उस आत्मा का विशेषण है। परंतु ये तो ये भी मिथ्या हो सकता है शरीर को जब मिथ्या बोलना तो यही भी मिथ्या होगा बोलते नहीं
श्रुति स्वयं ये कहते हैं वाचारम मन विकार बुद्धि का एक सत्यम, इसमें सदैव सत्यम सदैव संवेदमान सत्य पे बोला वहां पे जो सदैव सत्य तत्सत्य सुनते हैं तत्सत्यम स आत्मा, वही जो सत्य वस्तु है वो आत्मा है, वही तुम हो तुम्हारा परम। देखिए भाष्य का कैसे कैसे उठा करके उद्धृत करके उतना ही सत्य रख के रखा दिया। शंका ये ना कि ये कैसे आप बोल रहे हैं कि ये जो सत्य वस्तु है पृथ्वी आदि देहादि से प्रत्येक परमार्थी सत्य संभव है, आप उसको मिथ्या कैसे बोल रहे हैं? देखो श्रुति क्या दिखा दिया है कौन सत्य वस्तु है कौन मिथ्या वस्तु है। वाचा मन विकार वो मिथ्या वस्तु है, सत्य बने सदैव सत्य तत्सत्यम श्रात्मा, वही तुम्हारा परमार्थिक स्वरूप है, वही आत्मा है। इस प्रकार की श्रुति इस प्रकार श्रुति वाक्यों से ज्ञान ही न करके दिखाया ये बाह्यम तत्व आध्यात्मिक बाह्यम से ही पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है, परंतु अधिष्ठान एक मात्र सत्य वस्तु है। हस्व भी पढ़ लेते हैं, अच्छा लगता है हस्व ही पढ़ते हैं, किंतु के बाद में देखेंगे। यदि एवं तत्व दृष्टवा, इस प्रकार से उस पारमार्थिक तत्व को ऐसा अनुभव करके दृष्टान कर तत्ति भूत, अब अनुभव करके कैसे हमारे स्वरूप रूप में मतलब उस स्वरूप हो जाएंगे आप, तत्वी भूत मतलब तत्व रूप हो जाएंगे, तद आराम उसी में मन रमन करने लगेगा, तदम न बाह्य रमन जैसे बाहर वस्तु को लेकर, ये ऐसा नहीं होगा। यथा अतत्व दर्शी जैसे तत्व को नहीं जानने वाले अभिज्ञान व्यक्ति बाहरी वस्तु को अवलंबन लेकर के उसी में खेलता रहता है उसमें मजा लेता है, हम इस व्यक्ति का ऐसा नहीं मिलता होता। यथा अतत्व दर्शी कश्चित चित्तम आत्मा तेन प्रतिबंध, मन को अंतकरण को अपना मन करके मन में तो सुख मतलब सुख मैं सुखी मैं दुखी इस प्रकार से व्यवहार करता रहता है, परंतु ये ऐसा नहीं है। भूख का वृत्ति प्राण, भूख व्यस्त प्राण की वृत्ति है, वहाँ पर वृत्ति उठा तो मैं बोला अपने आप ही मैं भूखा हूँ तो चंचल हो जाता है, ऐसा नहीं करते। कश्चित चित्तम आत्मा तेन प्रतिबंध, चित्त को अपना मान करके चित्त चरणम अनु, चित्त में थोड़ा चंचलता हुआ चित्त में थोड़ा भिक्षा चलित हम आत्मान मन न मानो, अरे मेरे में विक्षेप आ गया मैं तो चुप हो गया अपने सिद्धि से, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा नहीं होता। ये तो वो लोग जो वस्तु मतलब मन को इकट्ठा करके ध्यान करके सोचते हैं ना, उन लोगों ने लिया वेदांत में जगत का जो नहीं मतलब निश्चित करके जो अपना स्वरूप पर बैठता वहाँ से कभी उत्थान होना संभव ही नहीं। यदि उठते हैं उत्थान तो उत्थान तो शरीर मतलब मन बुद्धि की होती है, आत्मा में ना समाधि है ना आत्मा में उत्थान है। ध्यायति इव निलायति इव श्रुति बोलती है, ये बुद्धि के साथ आस्वादी स्वप्न भूतवा ध्यायति इव निलायति इव, बुद्धि के साथ आगात्म करके बुद्धि थोड़ा स्थिर होने पर मुझे लगता है कि मैं ध्यान करता हूँ कितना अच्छा स्थिति है, और बुद्धि थोड़ा विचरण हो जाने पर हाय मेरा ध्यान टूट गया मैं कहाँ गिर गया, परंतु तत्व ज्ञान जानने के बाद ये दोनों स्थिति नहीं होना, दोनों स्थिति नहीं होगा। इसलिए के बोलते हैं यथा तत्वदर्शी कश्चित चित्तम आत्मा, अतत्वदर्शी कश्चित चित्तम आत्मा तेन प्रतिपन्न चित्त चरणम अनुचरितम आत्मान मन मन, चित्त में थोड़ा विक्षेप हुआ तो मुझे विक्षेप उत्पन्न होगा मैं कैसे करूँ क्या होगा, इस बुद्धि में तत्व तत्वाचरितम मैं अपने तत्व से च्युत हो गया, देहादि भूतम आत्मान शरीर रूप पर अपने को कदाचित मान्यते अपने को मानते हैं प्रच्युत तो हम मैं अपने स्वरूप से प्रच्युत हो गया मैं, कभी ये होना संभव ही नहीं, कभी होना संभव प्रच्युत हो आत्मतत्ता इनानी दिखी मैं इस समय आत्मतत्व से प्रच्युत हो गया। अरे मान लीजिए आत्मतत्व से प्रच्युत होने का संभावना आप देखते हो, यदि जहाँ एक जगह पे आत्मा है एक जगह पे नहीं है, यदि ऐसी होती तो वहाँ से एक जगह आप यहाँ पे आए, परंतु जो पूर्ण व्यापक तत्व है वहाँ पर प्रच्युति कहाँ से संभव है। यदि गिर भी गया मन कुछ देर के लिए तो गिरेगा तो आत्मा नहीं गिरेगा, समझ लीजिए इस चीज़ को। इस प्रकार देखना कि कोई व्यक्ति मकान बनाने के लिए क्या करते हो, बड़े बड़े मकान पर तो नीचे तक जाली लगा लेते हैं ताकि गिरे तो कहते हैं चोट नहीं लगे, तो इसी प्रकार मान लीजिए किसी समय जो मन यदि आत्मा भाव से उठ करके गिर भी गया किसी विषय में भी गिर गया तो भी यदि आप ये समझते हैं इस विषय का प्रकाशन भी तो आत्मा ही है, वहाँ भी तुम्हें चित्त तो बचा हुआ है विषय से मुझे क्या लेना देना, तो कब इसके तो आत्मा से प्रच्युत होना कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि उस आत्मा ही तो पूर्ण व्यापक बैठा हुआ है। यदि उस आत्मा के द्वारा आपका बुद्धि भी प्रकाशन हो रहा है, उस आत्मा के द्वारा शरीर भी प्रकाश, उस आत्मा के द्वारा यही पूरा हो रहा है। यदि व्यवहार करते समय मन थोड़ी देर के लिए हम आगे जाता है ये भी आत्मा से भिन्न नहीं है, इसलिए आत्मा से प्रच्युति कभी भी होना संभव नहीं है। क्योंकि ये जैसे जो कोई मान लेते हैं
किसके लिए होगा? जो तत्व दर्शन तत्व दर्शी कश्चित चित्तम आत्मतेन प्रतिपन्न चित्त मैं हूँ मतलब मन अंत कर्म मैं मान करके चरितम मन चित्त में चरण हो गया चरितम आत्मान मन मन मैं थोड़ा विच्छित हो गया अपना चरितम एक नंबर अनु लक्ष्यीकृत निश्चित उसको लक्ष्य करके वैसा निश्चय करके मन में विचरण हो गया मैं तो गिर गया मेरा तो क्या होगा मेरा मन तो अभी निश्चित हो गया ऐसा होता है चरितम मतलब उसको लक्ष्यीकृत उसको लक्ष्य करके निश्चित उसका निश्चय करते हैं मेरा तो च्युत हो गया अपने समाज स्वरूप से आत्मान मन मान तत्व चरितम देहादि भूतम आत्मान कदाचित मन शरीर रूप इस प्रकार मानते हैं प्रचित अहम आत्म तत्व क्या मानते हैं मैं जो है आत्म तत्व से अलग हो गया हूँ तत्वादि स्थूलादि निज स्वरूप इति भाव यहाँ पे आपके पुस्तक में क्या लिखा है तत्वादिति वहाँ पे तत्व के वहाँ पे अक्षर अस्थूल आदि निज स्वरूप आदि थे आप वो होना चाहिए दो नंबर की पॉइंट कहाँ पे आता है प्रच्युत अहम आत्मतत्व आत्मतत्व के अस्थूल मन अनुमान रस्म दीर्घ भी आत्मतत्व है कि अस्थूल भाव से मैं च्युत होकर के अस्थूल भाव ना ये तो निज स्वरूप आदि थे आप और फिर इदानीम इदानीम मतलब काश अवस्थाया मिति अर्थ अब बुढ़ापा आ गया ना काश अवस्था बुढ़ापा जरा अवस्था में मैं अपने स्वरूप से च्युत हो गया हूँ पहले शरीर तो स्थूल था मैं मोटा मोटा था अब मैं जो है दुबला पतला हो गया हूँ पहले मैं अच्छा व्यवहार करता था बुढ़ापा नहीं कर सकता बुद्धि खराब हो गया ऐसा जो बोलते हैं ऐसा जो है बाह्य भ्रमण करने वाला अब तत्व प्रश्न ऐसा बोलते हैं चुरादि निज स्वरूप मतलब तत्व मतलब शरीर को यदि आप शरीर को आत्मा मानेंगे तो होगा मैं मोटा से पतला हो गया हूँ मैं स्वच्छता से बीमार हो गया हूँ ये सब बोलने लगता हूँ और तत्वदर्शी पुरुष ठीक है ना और तत्वदृष्ट पुरुष में ऐसा नहीं है कि मैं बीमार हो गया हूँ कि मैं मोटा हो गया वो जानते शरीर का धर्म इसलिए बोलते इधानी मतलब इंद्र का सब अवस्था आया समाहित तो मनुष्य कदाचित तत्व भूतम प्रसन्न आत्मान मन्यते इदानीम अस्मि तत्त्वभूतमिति मतलब समाहित तो मनसि अब जब मन समाहित होता है मतलब शास्त्रीय उपदेश अति वशात वो क्या होता है जब शास्त्रीय उपदेश से मन थोड़ा स्थिर होता है समय कदाचित यदि कभी ऐसा कदाचित तत्त्वभूतम अबाधित स्वरूपम जो मैं पता है तत्त्वभूतम प्रसन्न आत्मान मन्यते अपने को प्रसन्न मन्यते इदानीम अस्मि तत्त्वभूतम इसलिए ना यहाँ पे अभी मैं प्रसन्न तत्व रूप हूँ पहले मैं अतत्व रूप था ये कभी भी होना संभव नहीं है हमेशा ही मैं एक हूँ यानी तत्व भूत मतलब ब्राह्मी भूत इस समय मैं ब्रह्म भाव में आगे नहीं न तथा आत्मविद भवे आत्मविद्ता पुरुष ऐसा नहीं मानते अपने को अज्ञानी पुरुष ऐसा मानते हैं क्या मानते हैं कि मैं कभी जो है शरीर के साथ व्यवहार करते मैं स्वरूप से च्युत हो गया हूँ अब जो आत्मा सुनकर शास्त्र को सुनकर मैं ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लिया हूँ ये अज्ञानी पुरुष ऐसा बोल सकते हैं तत्वदृष्ट होने के बाद ऐसा होना संभव है अब कभी कोई प्रचित शरीर के साथ व्यवहार होने पर भी निश्चय रहता है कि इस शरीर व्यवहार कर रहे व्यवहार मुझे भगवत गीता में नहीं बोलते नहीं बोल किंचित करो मैं झुक मान नहीं करता है ना तब तो व्यक्ति पुरुष क्या होते हैं नहीं तो किंच पश्चन शिलवन स्पृशन पिन्नम अष्टन रक्षन स्वपन ससन कल्पन भिषण कृदन उन्मिषण निमिषण अभी इंद्रिया इंद्रियार्थेशु वर्तते निश्चय रहता है इसलिए होते हैं न तथा आत्मविद भवे आत्मविद ऐसे नहीं होता आप क्यों कि आत्मन एक रूपत्वा स्वरूप प्रच्यवन असंभवाच आत्मा एक रूप है और उसके स्वरूप से च्युत होना कभी संभव ही नहीं क्योंकि सर्वथ असंश्लिष्ट पदार्थ है सर्वथ असंश्लिष्ट पदार्थ इसलिए होता है आत्मा ने एक रूपत्व स्वरूप प्रत्यक्ष असंभव स्वरूप से प्रत्यक्ष होना कभी संभव नहीं होने सकता सदैव ब्रह्मास्मि इति अप्रच्युत भवे तत्व हमेशा ये भाव ध्यान रखना मैं असंभव पूर्ण व्यापक है ना सदैव ब्रह्मस्म तो मैं व्यापक असंख्य पूर्ण हूँ यदि अप्रच्युत भवे तत्व उस तत्व से तो क्या लिखा है आगे उसको संशोधन करिए अगर नहीं पाए तो उसको तब तक सदा द और स जो है उल्टा हो गया तब तक तो ठीक है तब तक मैं एक तकार लगा दीजिए आधा तक हलंतम तकार उसके बाद सकार आएगा ना मतलब वो द्वकार को हटा दीजिए
तब दकार को शकार के बाद लाकर के आकार लगा दीजिए। भवे तत्वा सदा अप्रच्युत, भवे तत्वा सदा अप्रच्युत आत्मतत्व दर्शन भवे अथवा आत्मतत्व में स्थिर अभिप्राय। तभी तो भगवान श्री कृष्ण देखो बाहरी व्यवहार को लेकर के बोलते हैं सुनी चैव सभागे च पंडित समदर्शिनः। भगवत गीता पंचम अध्याय विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गभी हस्ति बाहरी व्यवहार में क्या रहता है सभी में एक आत्मतत्व को देखते हैं और समस्त भूत में अप्रच्युत आत्मा को समझते हैं। समस्त सर्वेषु भूतेषु समस्त विनाशी भूत में समस्त सर्वेषु भूतेषु दृष्टान्तं परमेश्वर अविनश्यन्तं अविनश्यन्तं समं परमात्मनं जो पश्यति स पश्यति शायद ये अध्याय 26 से 28 समस्त सर्वेषु भूतेषु दृष्टान्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं अविनश्यन्तं जो पश्यति स पश्यति। इस प्रकार इत्यादि स्मृति ऐसे स्मृति स्मृति वर्ग के कारण इस प्रकार व्यवहार स्मृति में ऐसा होता है। इसलिए इस प्रकार से भाष्यमिति गौर पाद कारिकाया वैतंत्रार्थम द्वितीय प्रकरण टीका जिसको करेंगे इसका नाम टीका जितना बचा हुआ कार्य करेंगे। प्रज्ञा वैशाख वेद क्षुभित जल निधे वेदनाम्नान्तरस्थं भूतानि आलोक्यमग्नानि अविरत जननप्राह भोरे समुद्रे कारुण्यापुत्तधारमृतमिदममरे दुर्लभं भूतहेतो यस्तं पुञ्चापि पुञ्चं पदरं गुरुम् पाद पादेन तो वस्मि ॐ नमः।